वेलकम टू डेली करंट अफेयर। टुडे इज 8th of April 2023। द क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन ऑन फील्ड एम्पायर इन फुल मेंबर मेन्स T20 इंटरनेशनल, दैट इज ए किम कॉटन। जो ये किम कॉटन है, ठीक है, ये है न्यूजीलैंड की, ठीक है, ये क्या है, ये है अंपायर, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि जितने भी हमारे मेन के मैच होते थे, ठीक है, जो मेल के जो मैच होते थे, ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल मैच होते थे, उसमें जो भी अंपायर होता था वो मेल ही होता था, ठीक है। बट पहली बार फर्स्ट वीमेन ऑन फील्ड एम्पायर, ठीक है, ऑफ फील्ड तो बहुत सारे एम्पायर रह चुके हैं वीमेन में, लाइक थर्ड एम्पायर, फोर्थ एम्पायर, ठीक है, वो बहुत सारे रह चुके हैं। बट जो ऑन फील्ड, फील्ड पे दो ही एम्पायर होते हैं, एक स्क्वेयर लेग एम्पायर होता है, एक फ्रंट एम्पायर जो बॉलिंग के पास खड़ा होता है, ठीक है, तो दो एम्पायर होते हैं। तो वहाँ पे पहली बार फर्स्ट वीमेन ऑन फील्ड एम्पायर जो है वो फुल मेंबर मेंस T20 इंटरनेशनल में जो अंपायरिंग की है उनका नाम है किम कॉटन। तो ये न्यूजीलैंड की है किम कॉटन, ठीक है। 5 अप्रैल को बिकेम द फर्स्ट वीमेन ऑन फील्ड अंपायर इन द फुल मेंबर मेंस T20 इंटरनेशनल। कौन कौन किस किस के बीच में था, न्यूजीलैंड वर्सेज श्रीलंका के बीच में ये मैच था, ठीक है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर प्लोस्क, ठीक है, हैड बिकेम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन ए मैन टेस्ट, ठीक है, शी डन द फोर्थ अंपायर, ठीक है। फोर्थ अंपायर, थर्ड अंपायर तो काफ़ी रह चुके हैं, बट जो ऑन फील्ड अंपायर होते हैं ना, वो पहली बार कोई फीमेल बनी है जिनका नाम है किम कॉटन, शी इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड, और मैच किसके बीच में था, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में। तो रिसेंट न्यूज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स आर लाइक मैक्स वेरस्टैपन ने फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक है। वर्ल्ड थर्ड एट इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम टू बी बिल्ड इन राजस्थान। BCCI साइंस हर्ब लाइफ एज इट्स ऑफिशियल पार्टनर फॉर IPL, ठीक है। सात्विक और चिराग, मैंने आपको पढ़ाया था, सात्विक और चिराग, इन्होंने स्विस ओपन का डबल टाइटल जीता है। नीतू गंगस, स्वीटी बोरा एंड निकत जरीन, इन तीनों ने क्या जीता है, वुमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, अपना अपना इन्होंने गोल्ड जीता है। एशियन हॉकी फेडरेशन ऑनर्स हॉकी इंडिया विद द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड फॉर सक्सेसफुल होस्टिंग ऑफ 2023 FISWC, दैट इज वर्ल्ड कप। सो रानी रामपाल, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, रानी रामपाल फर्स्ट फीमेल एथलीट है जिनके नाम पे जो है कोई स्टेडियम रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, राय बरेली में। पंकज अडवाणी ने किसको हराया है, ब्रिजेश धमानी को, वो और जीता है, क्या जीता है, एशियन बिलियर्ड टाइटल। ISSF जो वर्ल्ड कप शूटिंग हुआ था वो भोपाल मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। संपना रमेश शेलर बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट कहाँ पे है, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है, उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है। उसको स्विम करके जो है सबसे फास्टेस्ट टाइम में कंप्लीट किया है, किसने, संपना रमेश शेलर जी ने, और इन्होंने 29 किलोमीटर्स, ठीक है, 29 किलोमीटर का एरिया है, इसको 5 घंटे और 30 मिनट में पूरा किया है। आसाम टू होस्ट एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023, तो आपको पता है कि आसाम में हो रही थी खो खो चैंपियनशिप तामुलपुर में, और दोनों मेन और वीमेन एडिशन जो है इंडिया ने जीते हैं, और दोनों में मेन और वीमेन दोनों में इंडिया ने नेपाल को फाइनल में हराया है। इंडिया का जो रोहन बोपन्ना है एंड मैथ्यू ईडन है ऑफ ऑस्ट्रेलिया विन द मेन्स डबल टाइटल एट इंडिया वेल्स मास्टर्स इन कैलिफोर्निया US। बेंगलुरु टू होस्ट 2023 सैफ चैंपियनशिप इन जून एंड जुलाई। विच इंडो अमेरिकन फिजिशियन ऑनर्ड विथ यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो USA में एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो ये किस बार दी, इस बार दिया गया है जो कि इंडो अमेरिकन है, जिनका नाम है नित्या अब्राहम, ठीक है। इनके जो दादा परदादा थे वो इंडिया के थे, बट ये अब सिटीजनशिप है इन्होंने ले ली है अमेरिका की, ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका में पले बड़े हैं तो ये अमेरिकन ही कहलाते हैं, बट इनके जो पूर्वज थे वो इंडियन थे, तो इनको बोलते हैं हम इंडो अमेरिकन, ठीक है। सो नित्या अब्राहम जी, उनको क्या मिला है, यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो वो मिला है, ठीक है। और ये क्या है, ये एसोसिएट प्रोफेसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड प्रोग्राम डायरेक्टर फॉर द मोंटेफेरो यूरोलॉजी रेजिडेंसी प्रोग्राम, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही अच्छी रिसर्च की है यूरोलॉजी के क्षेत्र में, यूरोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छी क्लिनिकल रिसर्च की है, ठीक है। तो
ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर हेल्थ. तो ये इनका रिसर्च टॉपिक था, उसके बेस पे इन्होंने यूरोलॉजी में क्या किया है, बहुत ही अच्छी रिसर्च किया, जिसके लिए उनको यंग यूरोलॉजिस्ट ईयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है. किसने दिया है? यूएसए ने दिया है यंग यूरोलॉजिस्ट ईयर ऑफ द अवार्ड. ये अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन है वो देती है. किनको देती है? जो यंग यूरोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं यूरोलॉजी के क्षेत्र में, उनको ये अवार्ड जो दिया जाता है. ठीक है, द अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश बाय डॉक्टर माइकल सी ओस्ट इन 2012 and 23, AUA यंग यूरोलॉजिस्ट कमेटी चेयर. वी स्टेट लीड्स इन GI टैक्स फॉर यूनिक लोकल प्रोडक्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022 and 23. अब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का मतलब क्या है? मतलब कि 2022 अप्रैल से लेके, ठीक है, 31 मार्च 2023 तक, इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर. तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा GI टैक्स जो है वो किस स्टेट को मिले हैं? दैट इज़ बी केरला. केरला इसमें टॉप रही है, सबसे ज़्यादा GI टैक्स जो इनको इन्हीं को मिले हैं. अभी आपको पता है, पूरी तरह से पता है कि GI टैक्स क्या होता है. प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने इनको इसको बहुत ही अच्छी तरह से क्या किया है, मैंने बताया है. ठीक है, तो केरला को सबसे ज़्यादा जो GI टैग मिले हैं 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में. बहुत सारे केरला के प्रोडक्ट्स हैं, आपने इनके नाम याद रखना है, जैसे अट्टापड्डी, अटू कोम्बो, अवारा, इसको बोलते हैं बीन्स, अट्टापड्डी थुवारा दैट इज़ रेड ग्राम, ओनाकुटारा इलू दैट इज़ सिसेमे, ठीक है, कांथलूर वदंता वेलुथुली ये गार्लिक है, ठीक है, एंड कोडुलुंगर पट्टुवलेरू ये स्नैप मेलन है. तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ की है, आपने याद रखनी है, क्योंकि अजीब से नाम है तो आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो ये केरला के हैं, ये आ सकता है कि ये पर्टिकुलर, जैसे ये आ गया, ठीक है, ये नाम आपको दे दिया कि ये कहाँ का GI टैग है, किस स्टेट को इसका GI टैग मिला है गार्लिक का, दैट इज़ केरला को. अपार्ट फ्रॉम दीज 6 प्रोडक्ट्स फ्रॉम केरला, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, और यहाँ पे मिथिली मखाना ये कहाँ का है? बिहार का है. ठीक है, ये बिहार का है. अलीबाग और वाइट ऑनियन फ्रॉम महाराष्ट्र, इनको ये GI टैग मिली है. ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इन दोनों का नाम याद रखना है. लाइक तंदूर रेड ग्राम ए लोकल वेराइटी ऑफ पी फ्रॉम तेलंगाना, इसको भी मिला है. लद्दाख का रेक्ट से कार्पो एप्रिकॉट, लद्दाख इसको मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड गमोसा हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम असम, इसको भी क्या मिला है? GI टैग मिला है. तो सबसे ज़्यादा जो GI टैग मिले हैं वो मिले हैं केरला को. Who has been banned for 4 years by NADA? ठीक है, दैट इज़ सी संजीता चानू. तो संजीता चानू क्या है? ये एक वेट लिफ्टर है. जो वेट लिफ्टर होते हैं, जो इस तरह का वेट उठाते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ऐसी गेम्स. ठीक है, तो इंडियन वेट लिफ्टर है ये. दो बार ये कॉमनवेल्थ गेम विनर भी है संजीता चानू. इनको बैन कर दिया गया है 4 सालों के लिए. किसके द्वारा? इंडिया की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसका नाम है नाडा. ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको बैन किया है. क्यों बैन किया है? क्योंकि कुछ एक ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे जैसे मटेरियल होते हैं, जिनका सेवन करना जो है एथलीट के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है. और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो एथलीट है वो इस तरह के काम करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है. तो इस तरह के पदार्थ अगर आपकी बॉडी में मिल जाए, किसी भी एथलीट के अंदर मिल जाए, तो उसको जो नाडा है वो उनको एक्शन लेना पड़ता है. ठीक है, द वेन वॉज एम्पोस्ड आफ्टर चानू टेस्टिव पॉजिटिव फॉर एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड. ठीक है, मतलब कि इन्होंने एक स्टीरॉइड जो है इनकी बॉडी में मिला था. कब मिला था? जो कि गुजरात में जब नेशनल गेम्स हो रही थी गुजरात में, सितंबर अक्टूबर 2022 में, तो उनको ये मिला था. ठीक है, तो जो ये एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड है, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो वाडा है, उन्होंने इसको बैन करके रखा है कि ये मटेरियल आपकी बॉडी में, एथलीट की बॉडी में होना ही नहीं चाहिए. बट ये इनकी बॉडी में मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको 4 साल का बैन जो है वो लगा दिया गया है बाय नाडा. नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया. ठीक है, अबाउट नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, तो आपने ध्यान रखना है, ये वाडा ने नहीं लगाया इनके ऊपर, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने नहीं
नहीं लगाया, ये हमारी जो अपनी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया की, उसने इसके ऊपर 4 साल का बैन लगाया। तो ये क्या है, ये एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, ये देखती है कि इस तरह के स्टीरोइड्स जो है वो एथलीट्स को ना दे, स्पोर्ट्स पर्सन को ना दे। अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ भी पढ़ी थी कि NCERT और NADA आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, इस तरह के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह से बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं कि अपने आप की बॉडी को हमने स्वस्थ रखना है, इस तरह के स्टीरोइड्स नहीं लेने हैं और एजुकेशन के साथ साथ क्या करना है, स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना है। तो आपने याद रखना है NCERT और NADA आपस में मिले हुए हैं। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, न्यू दिल्ली में। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 24 नवंबर 2005 को। एफिलिएशन किसके द्वारा एफिलिएट किया गया है इसको, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। इसके चेयरमैन है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी हिंदी और इंग्लिश है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस यही है कि एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में हमने किसी भी तरह का अल्कोहल या फिर किसी तरह का स्टीरॉइड्स जो है स्पोर्ट्स की बॉडी में नहीं मिलना चाहिए। वो बिकेम द रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर इन फोर्ब्स बिलीनियर 2023 लिस्ट। तो फोर्ब्स ने बिलीनियर 2023 की एक लिस्ट निकाली है, उसमें ये जो लिस्ट है ये है जितने भी स्पोर्ट्स ओनर है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, उनकी ये लिस्ट है कि इसमें से कौन सबसे ज़्यादा अमीर है। तो उसमें सबसे ज़्यादा अमीर निकले हैं वो है मुकेश अंबानी जी, ठीक है। मुकेश अंबानी आपको पता ही है, आईपीएल की जो मुंबई इंडियन टीम है ये इनके अंडर है, और $83.4 बिलियन इनकी क्या है नेटवर्थ है, जो कि सबसे ज़्यादा है स्पोर्ट्स ओनर में, ठीक है। दूसरे है स्टीव बाल्मर, जो कि एक प्रोफेशनल बास्केट टीम के ओनर है लॉस एंजलिस क्लिपर्स के। इनके जो टोटल नेटवर्थ है वो है $80.7 बिलियन। फिर आ गया रॉब वाल्टन, ठीक है, ये वॉलमार्ट फॉर्चून के ये ओनर है, और इन्हें डेनवर ब्रोंको एफ फुटबॉल टीम, प्रोफेशनल फुटबॉल टीम के ये ओनर है। इनकी जो कुल वर्थ है वो है $57.6 बिलियन। तो ये तीन नाम आपने याद रखना है, ज़्यादा आपने याद नहीं रखना है, ये मुकेश अंबानी ज़्यादातर आपने याद रखना है क्योंकि ये इंडिया के हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए आप कर सकते हो, जैसे एफ पिनॉल्ट एंड फैमिली, ये इनका एक प्रोफेशनल फुटबॉल टीम है फ्रांस में, जिसकी जो नेटवर्थ है वो है $40.1 बिलियन। फिर मार्क मैटेस्चिड्स, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनके पास एक फुटबॉल प्रोफेशनल टीम भी है, एक फार्मूला वन रेसिंग टीम भी है, न्यूयॉर्क रेडबुल्स एंड रेडबुल रेसिंग के भी ये ऑनर हैं। तो इनके जो नेटवर्थ है वो है $34.7 बिलियन। महिला निधि इज़ द फर्स्ट एवर वीमेन कोऑपरेटिव फंड लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, दैट इज़ बी राजस्थान। तो राजस्थान में महिला निधि, आपको पता है कि सबसे पहले जो महिला निधि जो खुला था वो खुला था तेलंगाना में, और तेलंगाना के बेस पे ही राजस्थान दूसरी स्टेट बनी थी जहाँ पे महिला निधि जो है वो खोली गई थी, ठीक है, ये लाइन आपने याद रखना है, ठीक है। पहले कहाँ पे आया था, तेलंगाना में, दूसरी बार कहाँ पे आया, राजस्थान में। अब जो राजस्थान वाली महिला निधि है उन्होंने वो फर्स्ट एवर वीमेन कोऑपरेटिव फंड जो है जिन्होंने लॉन्च किया है वो बना है, ठीक है। फर्स्ट एवर वीमेन कोऑपरेटिव फंड जो है वो लॉन्च किया है महिला निधि ने, ठीक है। सो महिला निधि इज़ द फर्स्ट एवर वीमेन कोऑपरेटिव फंड, ठीक है। वीमेन का एक कॉपरेशन मतलब कि वीमेन्स आपस में कॉपरेट करेंगी, और इसी तरह से इन्होंने अपना एक फंड जनरेट कर दिया है कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर गिविंग 8% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन द लोन्स ऑब्टेन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम महिला निधि। मतलब कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो फीमेल्स हैं, ठीक है, अगर वो जाएंगी महिला निधि में, ठीक है, महिला निधि में जाएंगी, अगर वो वहाँ से लोन लेती हैं अपना क्या करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो वहाँ से क्या लेती है, लोन लेती है। तो जो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है उन्होंने ये अप्रूव किया है कि जो ये लोन लेंगी महिला निधि से इनको 8% का क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, 8% की छूट इनकी लोन में दी जाएगी। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये कहाँ की न्यूज़ है, ये है राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, एंड राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। वी स्टेट और यूटी रिपील्ड द लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट, ठीक है। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट जो है वो
प्रीवियस गवर्नमेंट जो हिमाचल प्रदेश में प्रीवियस गवर्नमेंट थी बीजेपी की, ठीक है, अभी कौन सी गवर्नमेंट है वहाँ पे, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम है, ठीक है। प्रीवियस गवर्नमेंट 2021 में इन्होंने ये एक्ट लाया था जिसका नाम था लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट। इसके अकॉर्डिंगली क्या था कि एक मंथली पेंशन दी जाएगी 20,000 से लेके एंड 12,000, ठीक है, 20,000 एंड 12,000, दो टाइप की इसमें पेंशन्स थी। किनको दी जाएगी, जो लोग जेल किए गए थे 1975 से 1977 के टाइम, जो इमरजेंसी थी ना उस टाइम में जो लोग जेल किए गए थे उनको 20,000 रुपये और 12,000 रुपये की जो पेंशन है, मंथली पेंशन है, वो दी गई थी लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट के थ्रू। बट अब कौन सी सरकार आई है वहाँ पे, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस की, तो उन्होंने क्या किया है, इस एक्ट को खारिज कर दिया गया है और जितनी भी ये पेंशन, मंथली पेंशन दी जानी थी उसको बंद कर दिया है। अमित शाह अनवील्स 54 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमाना एट दैट इज सी गुजरात। तो अमित शाह जी ने अपने होम विलेज में, ठीक है, जहाँ के ये रहने वाले हैं वहाँ पे इन्होंने 54 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ हनुमान, लॉर्ड हनुमान का 54 फीट लंबा जो है स्टैच्यू, उसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, जो ये सारा का सारा स्टैच्यू है ना ये बना है ब्रॉन्ज से, ठीक है। इट वॉज इंस्टॉल्ड इन द हनुमान टेम्पल इन शाह होम टाउन दैट इज नारायणपुरा इन अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात के नारायणपुर अहमदाबाद में जो है ये स्टैच्यू बनाया गया है। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, लाइक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आप सबको पता है वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है गुजरात में, 182 मीटर लंबी है और 597 फीट की है, ठीक है, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट, सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है, बनाया गया था 2018 में। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ पे है, ये शिव नथवारा की एक मूर्ति है, मतलब कि शिवा की, शिव जी जो हमारे भगवान है, ठीक है, जो शिवा है उनकी ये मूर्ति है, ठीक है, और ये राजस्थान में है, 112.4 मीटर्स लंबी है, ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है, ये बनाया गया था 2022 में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये इनॉग्रेट किया गया था रामानुजन की, ये क्या है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, स्टैचू है, ये हैदराबाद तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया, 65.8 मीटर इसकी हाइट है और 216 फीट हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर से तो 216 फीट है। वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट सीटिंग स्टैचू है ये और बनाया गया था 2022 में। स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य की है, कहाँ पे, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और ये 4 फीट की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।